तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक और पेनी स्टॉक की, जिसमें आज फिर ब्यूलिश रिवर्सल हो गया है। आज इस स्टॉक में 4.87% की रैली हो गई है 5 डेज में। देखो, पहले इसमें अपर सर्कल लग रहे थे, ब्यूलिश मोमेंटम दिख रहा था, फिर इस स्टॉक में लोअर सर्कल लगने शुरू हो गए। ये इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे पहले एक अच्छा रिवर्सल आया, लेकिन 14 के अराउंड इसका एक रेजिस्टेंस था, लोअर सर्कल लगने शुरू हो गए, फिर इस स्टॉक में 10 के अराउंड सपोर्ट बनाया और फिर एक ब्यूलिश रिवर्सल जो है वो दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में 14 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 डेज में 16% की ग्रोथ हो गई है। 1 मंथ में देखोगे तो इसमें 33% की जो ग्रोथ है वो चार्ट में दिख रही है। ओवरऑल ब्यूलिश मोमेंटम ही दिख रहा है। तो आइए इसके चार्ट को और फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसका नाम भी जान लेते हैं। दोस्तों, नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वीरम सिक्योरिटीज़ की। दोस्तों, इसका हम पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेंगे। जून क्वार्टर में देखो, कंपनी का रेवेन्यू 80% के हिसाब से बढ़ गया है, नेट इनकम 85% के हिसाब से बढ़ गई है, मार्जिन्स 2.31% के हिसाब से और EPS 85% के हिसाब से बढ़ गया है। तो ओवरऑल देख सकते हो नेट इनकम 1 करोड़ के राउंड आई है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही है। आप देख सकते हो कंपनी का जो इनकम बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात अभी लग नहीं रही है। अब इसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे दोस्तों, वैल्यूएशंस भी देखेंगे। पहले वैल्यूएशन देख लो, ये स्टॉक 28 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है, इंडस्ट्री की PE मल्टीपल 70 की है, कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, प्राइस टू बुक रेशो 3.87 की है, ROE परसेंटेज 11% से ऊपर है। मतलब फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशंस भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत अभी लग नहीं रही है। वैल्यूएशन वाइज, फंडामेंटल वाइज, फाइनेंशियल्स देखें तो भी अच्छा डाटा ही पेश कर रहे हैं। ये इसका चार्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, जीरो ऑन जीरो बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और जो इसका कह सकते हो कि रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है 53.77% की, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। और FIIs का भी पासा इस कंपनी में लगा हुआ है, ये आपको नोट करना है। तो शेयर होल्डिंग भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखो, शॉर्ट टर्म में एक ब्यूलिश मोमेंटम है, लेकिन ये स्टॉक अब एक रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे सकता है, क्योंकि 1 मंथ में देखो जैसे इसमें पहले कंसोलिडेशन हो रही थी, एक ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे देखो 14.42 का एक रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पे बन गया है। लोअर लेवल पे 9.40 के राउंड एक सपोर्ट है, ये देख सकते हो, ये इसका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है। ये देखो, पहले कंसोलिडेशन हुई, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पर गिरावट आ गई। तो 14.40 का लेवल एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में 9 से लेकर 10 के बीच में ये स्टॉक जो है वो सपोर्ट भी बना सकता है, क्योंकि जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता है तो तब तक इसमें कंसोलिडेशन रह सकती है। 1 ईयर का पैटर्न भी देखो, इसमें एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिली हुई थी। ये देखो, इसका एक अपर रेजिस्टेंस था, ये इसका एक सपोर्ट था। तो ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जरूर आ गया है, क्योंकि फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस बहुत ही बढ़िया है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का मौका है, लेकिन इसको डिप में बाई करें, क्योंकि 1 मंथ में 33% की बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट हो गई है और 1 ईयर में भी देखो सेम रैली है, क्योंकि जो मेन ग्रोथ हुई है लास्ट 1 ईयर में वो 1 मंथ में ही हुई है। पहले तो ये स्टॉक उसी लेवल के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सडनली ब्रेकआउट आ गई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन अब इसके जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उनको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जून क्वार्टर के नंबर तो चलो बढ़िया हैं, लेकिन यदि सितंबर के भी नंबर ठीक आ जाते हैं तो फिर इस स्टॉक में रैली कंटिन्यू रह सकती है। यदि नंबर में थोड़ा सा नेगेटिविटी आई तो फिर इसमें डाउनफॉल भी हो सकता है। तो इसलिए सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद ही कोई फ्रेश पोजिशन बनाएं, यही हमारी आपको राय है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक ही है और आने वाले टाइम में भी मल्टी बैगर रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होगा। दोस्तों, एंड में फिर यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि आने वाले सारे जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर हम आपको बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।